नमस्कार दोस्तों, आपका दिन स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीकांत और आप देख रहे हैं टेक स्टडी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं वीवो S1 प्रो के बारे में, जो कि भारत में आज लॉन्च हो चुका है और आपके हाथ में अभी मिल सकता है। प्री बुकिंग कर सकते हो, ऑफलाइन खरीद सकते हो और ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, दोनों भी इसमें लॉन्च हो चुका है। और इसकी जैसे प्राइस ना, उसके हिसाब से इसका जो भी डिस्प्ले है, बैटरी है, कैमरे जो कुछ है ना, सभी अच्छा है। तो सब कुछ देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और गिव अवे भी होने वाला है। गिव अवे के लिए क्या करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा कि गिव अवे में करना क्या है। तो एक एक करके सब कुछ देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना, जो कि मेरी कोई भी वीडियो है ना, आप सबसे पहले देख। चलो पहले देखते हैं इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है 6.38 इंचेस का डिस्प्ले, जो कि फुल HD प्लस अमोलेड होने वाला है। देखिए HD प्लस और फुल HD प्लस में बहुत डिफरेंस होता है। फुल HD जो होता है ना डिस्प्ले, वो क्रिस्टलाइज अच्छा होता है और उसमें जो कलर आप देखते हो ना, वो भी अच्छे होते हैं HD प्लस से। और अमोलेड की वजह से ये होता क्या है, जो भी बैटरी कंजप्शन है ना, बहुत कम बैटरी कंजप्शन है, आपको अच्छी व्यूइंग का एक्सपीरियंस ये डिस्प्ले दिखाता है। तो फुल HD डिस्प्ले HD प्लस से अच्छा ही परफॉर्मेंस करता है, जो कि ये फुल HD अभी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में देखने की इसमें डाला हुआ है। तो ये फुल HD प्लस जो भी डिस्प्ले ना, इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला डिस्प्ले, देखने वाली बात नहीं है, डिस्प्ले अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, डिस्प्ले तो अच्छा परफॉर्मेंस, अभी देखते हैं इसका परफॉर्मेंस इसमें करने के लिए इसमें डाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट, जो कि अभी लेटेस्ट है, बहुत ही लेटेस्ट चिपसेट है। इसको अपग्रेड किया है 755 से, और 885 से भी अपग्रेडिंग है चिपसेट, जो कि पबजी खेलते हैं या बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते, टिकटॉक करते, जो कुछ भी करते ना आप, अगर आप हेवीली यूज़ करते हो मोबाइल फोन, जैसे पबजी को 8 घंटे चलाते हो या कितने भी इसमें चलाओ, और इससे पबजी छोड़ दो और कोई भी हाई लेवल वाला भी स्टिमुलेटर गेम चलाओगे, इसमें नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसको ऐसे मेट किया हुआ है, जैसे पबजी वाले के लिए, टिकटॉक वाले के लिए, जो भी इसमें करना चाहते हो आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत क्या आपको सामना करना नहीं पड़ेगा, 80 प्रोग्राम का तो गारंटी है। और इसमें चिप्स जो कि प्रोसेसर डाला ना, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर, तो जिसकी स्पीड है 2.0 GHz की, तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ग्राफिक्स कार्ड इसमें अच्छा जाला है, एंड्रॉइड का ग्राफिक्स कार्ड डाला, तो ये परफॉर्मेंस के लिए ऐसा बना है, जो कि पबजी लवर है या उसके लिए टिकटॉक लवर है, बहुत सारे वीडियो अपने अपलोड करना चाहते हो, सबके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें कैमरे भी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए कैमरे भी बहुत अच्छी बात ये डाले। तो कैमरे बातें करूँ कैमरे की, तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल शेप पे आपको 4 कैमरे का सेटअप रियर में देखने को मिला, जो कि 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल के यहाँ पर 4 कैमरे डाले हुए, तो चारों का भी अलग अलग फंक्शन है, जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो कि फोकसिंग करेगा अच्छे से, आपको व्यूइंग देगा अगर आप जूमिंग करते हो, इसलिए 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोन सेंसर अल्ट्रा वाइड मोड के लिए, ये वाला जो कैमरा अल्ट्रा वाइड मोड के लिए दिया हुआ है, जो कि आप अगर दूसरे कैमरे से फोटो खींचते हो तो आपको अल्ट्रा वाइड मोड का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीफोन सेंसर अल्ट्रा वाइड मोड दोनों भी इंक्लूड, तो आपको अच्छा व्यूइंग का एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप कैप्चर करोगे फोटो। और इसका अपर्चर की बात करो तो आपको 2.0 का अपर्चर देखने को मिला। अपर्चर का मतलब होता क्या है, जितना कम अपर्चर रहता है ना, उच्च अच्छा कैमरा का 48 मेगापिक्सल जो अपर्चर डाला हुआ ना, 1.5 का अपर्चर डाला हुआ है, जो कि 1.5 का अपर्चर डाला, इसमें का मतलब वो कैमरा अच्छा है परफॉर्मेंस कर रहा है। 2 मेगापिक्सल एक कैमरा जो कि मैक्रो के लिए, और एक कैमरा है डेप्थ सेंसर के लिए डाला है, तो आप अगर मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो उसके लिए भी ये बेहतर है, और डेप्थली फोटोग्राफी करना चाहते हो उसके लिए भी ये कैमरे, चारों कैमरे है ना, सबका अलग अलग फंक्शन है, तो चारों भी कैमरे अलग अलग फंक्शन करने वाले। बात करो सेल्फी कैमरा, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि सेल्फी के लिए अच्छा होने वाला है। अगर आप टिकटॉक वीडियो वाले बनाने वाले हो और आपको चाहिए ऐसा मोबाइल फोन को, जो कि क्लियरली आपके आपका वीडियो बना है, तो ये मोबाइल फोन आपके लिए बेहतर है। टिकटॉक वालों के लिए, जो कि टिकटॉक लवर है ना, उसके 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेल्फी के लिए बहुत ही होने वाला, और वीडियो के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है, 32 मेगापिक्सल कैमरा अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा। अभी बात करते हैं बैटरी की, इसको जान देने के लिए तो बैटरी की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैटरी में यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, उसके साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, तो आपको अगर बैटरी आपकी खत्म भी होती है तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, तो आप फास्टली इसको चार्ज भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फास्टली चार्ज हो, 4500 mAh की बैटरी अच्छे से एक दिन तक आप हेवीली भी यूज़ करते हो तो 1-3 दिन तक अच्छे से चल जाती है, ज़्यादा हेवीली नहीं, कुछ भी तो अगर मॉडरेट हेवीली यूज़ करते हो तो आपका 1-3 दिन तक अच्छे से चल जाएगी। बात करें इसके बारे में, तो आपको एक सिंगल ही वारंट देखने को मिलने वाला है, जो कि है 8GB रैम और 128GB रोम, जिसकी प्राइस है 20,000। ठीक है, 20,000 प्राइस है, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ हुआ भी बहुत कुछ अच्छा है, लेटेस्ट चिपसेट है, कैमरा फुल है, कैमरा
क्या अच्छे सेटअप है, 4-4 कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और इसमें जो झाला है ना, तो सब कुछ है इसमें। तो आपको 20,000 में बजट में मोबाइल फ़ोन मिलने लगता है, आपके लिए बेस्ट है, आप इससे खरीद सकते हो। जनवरी के इसमें एक जो मोबाइल फ़ोन है बहुत ही अच्छा मोबाइल फ़ोन। अदर अगर बात करूँ यहाँ पर आपको टेलीफोन सेंस, सॉरी एक्सेलेरोमीटर, टेम्परेचर, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस लॉक सेंसर, जो कुछ भी आप चाहते हो ना, अदर फेस रहते हो सब कुछ इसमें बटन ऑर्डर। यहाँ पर फ्रंट टच 9.1 पर ही चलने वाला है, एंड्रॉयड 9P पर चलने वाला है, और आपको कलर्स OS 7 भी नहीं देखने के बाद, लेकिन अभी नहीं मिलने वाला, जब भी अपडेट होगा तब आपको कलर 7 भी आपको मिल जाएगा, और टाइप ऑफ सी पोर्ट भी, और 3.5 ऑडियो जॉक भी, जो आपको चाहिए ना सब कुछ इसमें डाला हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा मोबाइल फोन, आप इसे खरीद सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो, जैसे चाहे वैसे खरीद सकते हो। 20,000 इसकी प्राइस है, वैसे इसकी बैटरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है इसके लिए, जिसके हिसाब से इसकी प्राइस है ना, उसके हिसाब से मोबाइल फोन भी बनाया हुआ है। तो मेरे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। गिवे की बात करूँ, गिवे के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो का लाइक करना है, जब तक ये 1000 लाइक कंप्लीट नहीं होती है। जब इस वीडियो का 1000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे हो गया जाके, उस दिन में गिवे का रीजन नहीं करना। रैंडमली जो भी अच्छा कमेंट करेगा इस मोबाइल फ़ोन के बारे में उसके, उसको मैं उठाऊंगा और उसको एक गिवे कर दूंगा। गिवे के लिए कुछ नहीं करना होगा आपको, वहाँ पर कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना कंपलसरी, और वीडियो का लाइक करना भी कंपलसरी है, उससे मैं रैंडमली उठा लूँगा, और जो भी रहेगा ना, जो भी विनर रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, और उसको मैसेज भी कर दूंगा मैं कि आप यहाँ पर मुझे एड्रेस भेजो, आपको ये मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा अपने एड्रेस। आपको कुछ नहीं, आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपके होम पर ये मोबाइल फ़ोन पहुँच जाएगा।